फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फेशियल अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के 5 टिप्स बताऊंगी। ये 5 टिप्स बहुत इजी है, इजी तरीके से आप घर पर ही फेशियल अनवांटेड हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे बाल होते हैं, यहाँ होते हैं, चिन पे होते हैं और बॉडी के और भी कई हिस्से हैं जहाँ पे हेयर्स होते हैं जिनको हम रिमूव करना चाहते हैं लेकिन वो इजीली रिमूव नहीं हो सकते। मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी, पैक के जरिए, उपकरण के जरिए, स्ट्रिप्स के जरिए, क्रीम के जरिए, थ्रेड के जरिए। इन पांचों, ये पांचों तरीके एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन यकीन मानिए पांचों के पांचों बहुत बेस्ट हैं आपके लिए। आप इंस्टेंट भी रिमूव कर सकते हैं, आप परमानेंट भी इन हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप तक मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी पहली टिप के बारे में बताऊंगी। इस टिप के जरिए आप तुरंत सेकंड्स में अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, वो भी सिर्फ घर बैठे। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ वीट। वीट स्ट्रिप्स ही मार्केट में आपको इजिली मिल जाएंगी। ये बहुत ही आसानी से ना किसी साइड इफेक्ट के आपके हेयर्स को तुरंत रिमूव कर देगी। तो चलिए मैं इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। ये आपको किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या मॉल में या नहीं तो किसी भी शॉप में आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से इसमें स्ट्रिप्स आती हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ी देर के लिए इसको अपने पाम पे अच्छे से रब करना है ताकि ये थोड़ी सी हीट हो जाए, अप्लाई करने के लिए ये तैयार हो जाए। ये देखिए, ये पूरी तरीके से तैयार है, हमने इसको हीट दे दिया है। अब आप इस तरीके से इसकी एक स्ट्रिप ये ले लीजिए। अब इसको आप यूं ही इस एक एक्स्ट्रा जो स्ट्रिप है, एक में से दो निकलती है, अब आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके रखें। ये देखिए, मैं आपको इस साइड के बाल हेयर रिमूव करके दिखा, तैयार है। अब इसको अपोजिट साइड खींच दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, हेयर्स कितने अच्छे से रिमूव हो गए हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे, इसलिए बहुत बेस्ट है। आप इसी तरीके से अपने हेयर्स को घर बैठे इजिली रिमूव कर सकते हैं बैक स्ट्रिप्स के जरिए। अब आप इसको यूज करने के बाद इस तरीके से विप्स आती हैं, आप इससे अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। इससे जो भी इसमें जो इसका जो भी जेल पार्ट आपके फेस पे लगा होगा वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा और जो भी रेडनेस है वो भी खत्म हो जाएगी और स्किन को पूरी तरीके से मॉइस्चराइज भी हो जाएगी स्किन। इस तरीके से इसको क्लीन कर लीजिए। आप इस तरीके इसके जरिए आप आसानी से सेकंड्स में अपनी हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी सेकंड टिप के बारे में बताऊंगी। मेरी सेकंड टिप है थ्रेड। आप थ्रेड के जरिए भी आसानी से अपनी हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। मार्केट में थ्रेड बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है जिसको आप बहुत टाइम तक यूज कर सकते हैं। आप जैसे आईब्रोज बनवाते हैं उसी तरीके से आप अपने फेस के अनवांटेड हेयर्स को भी रिमूव कर सकते हैं। ये आपके हेयर्स को रूट से एकदम निकालेगा और आपकी हेयर ग्रोथ को भी कम कर देगा। इसलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और सिंपल ऑप्शन रहता है हेयर्स को रिमूव करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपनी तीसरी टिप के बारे में बताऊं। नेक्स्ट टिप है जेलेटिन। आप जेलेटिन के जरिए भी इजीली अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। आप 2 चम्मच जेलेटिन लीजिए, उसमें आप 4 से 5 चम्मच दूध यानी कि जो कि गर्म होना चाहिए पूरा अच्छे से दूध ऐड कीजिए। दूध ऐड करने के बाद उसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ही पूरी अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा जेलेटिन गर्म दूध में और फिर उसके बाद आप इसको अब जहाँ पे आपके हेयर्स है आप इसको वहाँ पे अप्लाई कीजिए और जब ये पूरी तरीके से पैक सूख जाए उसके बाद आप इसको पील ऑफ कर दीजिए। इसके जरिए भी आपके हेयर्स रूट से इजिली निकल जाएंगे और आपको कोई भी पेन और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। मेरा नेक्स्ट टिप है क्रीम। फ्रेंड्स, मार्केट में बहुत सारी हेयर रिमूवल क्रीम मिलती है, आप उसके जरिए भी अपने हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। ये भी सेफ है आपके लिए, आप कुछ नहीं करना है, आप बस क्रीम लीजिए और अपने यहाँ पे आपके हेयर्स हैं उस पर लगा के आप बस 10 मिनट बाद उसको रिमूव कर दीजिए और फिर पानी से क्लीन कर लीजिए। ऐसा करने से भी आप मिनटों में अपनी हेयर्स को रिमूव कर सकती हैं। नेक्स्ट और आखिरी टिप है उपटन। फ्रेंड्स, ये उपटन के बारे में आपको पता होगा शायद, ये बहुत ही टाइम से यूज करते चले आ रहे हैं हम सब लोग। ये ब्राइडल में हर तरीके के हर ओकेजन पे हम उपटन के जरिए अपने हेयर्स को रिमूव करते आ रहे हैं। तो चलिए आज मैं आपको वही उपटन बनाना बताती हूँ। इसके लिए हमको 2 चम्मच बेसन चाहिए और इसमें 3 चम्मच हमको दूध चाहिए और आप इसमें थोड़ा सा
टर्मरिक हल्दी भी यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको हल्दी यूज नहीं करना है तो आप हल्दी भी यूज नहीं कीजिए। और इसमें थोड़ा सा आप ऑयल मस्टर्ड ऑयल ले तो आपको जैतून का तेल है वो भी ऐड कर सकते हैं। और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करके आप एक पैक तैयार कर लीजिए। अब आप इस पैक को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। जब ये पैक अच्छे से सूख जाए तो आप इसको धीरे धीरे इस तरीके से रब करते हुए अपने फेस पे आप अच्छे से रब कीजिए, और आप जहाँ भी आपके हेयर से वहाँ पे आप थोड़ा ज्यादा रब कीजिए, और उसके बाद आप इसको निकाल दीजिए। ये पूरा अच्छे से झड़ जाएगा, पूरा फेस क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप ठंडे पानी से इसको धुल लीजिए। ऐसा करने से भी आप ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन इसके जरिए आप अनवांटेड हेयर्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी पांचों टिप्स कैसी लगी? इन पांचों टिप्स के जरिए आप आसानी से अपने बालों को रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।